हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो हम आज जा रहे हैं शुक्रेश्वर मंदिर, और ये है एग्जैक्टली पानी टंकी जो है गुवाहाटी पानी टंकी के पास पान बाजार की तरफ। सो यहाँ पे हम धूप अगरबत्ती लिए और फिर अभी मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है। देखिए, इसका नाम है महाप्रभु श्री श्री जनार्दन देवालय। सो ये जो स्टेयर्स है, यहाँ से हम चढ़ के जाएंगे मेन मंदिर की तरफ, शिव जी की जो मंदिर है। तो यहाँ पे धूप अगरबत्ती लगाने का जगह है, देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम् रुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बंधनान् तो गाइस, यहाँ पे इस मंदिर के अंदर बहुत सारा शिवलिंग है, और एक जो अंदर मेन शिवलिंग है बड़ा वाला, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। '1744 में आहोम राजा प्रमता सिंह द्वारा बनाया गया ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में राजा राजेश्वर सिंह ने भी योगदान दिया था, और इस मंदिर का आहोम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो मंदिर के पीछे एक जगह है जहाँ से ये व्यू दिखता है अच्छा सा, देखिए। और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के किनारे आप जा सकते हैं सीढ़ी से नीचे होकर, और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है। सेट हो रहा है, देखिए एकदम गोल्डन कलर, पानी के ऊपर जो रिफ्लेक्शन गिरा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ऊपर से कितना मजा आ रहा है, देखिए। ये शॉट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रेलिंग जो है, रेलिंग कितना मजा आ रहा है देखने में। और ये उमानंद है पीछे, वो जो आइलैंड है दिख रहा है वो, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये।
से नीचे जाके आपको राइट मार के जो सीढ़ी है सीढ़ी के पास आप बैठ सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है पानी के सामने यहाँ पे बैठने से। ठंडी ठंडी हवा भी आती है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे नीचे जाके पानी में थोड़ा सा टच करके आऊँगा। तो पानी वगैरह टच कर लिया, अभी सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। पूजा वगैरह ऐसा हो गया और ये जगह भी देख लिया। तो ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। बैम्बू का फ्लाईओवर कितना मस्त लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाय।